हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, एकदम आग लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो फाड़ ही रहे होंगे। और आज हम वापस से आ गए हैं वॉर जोन मोबाइल में, और आज हम खेलने वाले हैं वापस से आर्केड मैच, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं गेम में। आज गेम का एक अपडेट भी आया है, हालांकि इस गेम को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने उस अपडेट को किया नहीं था, तो हाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई, बट कह रहे हैं कि उस अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स हुई है। हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे, और कल जो भी मैं गेम प्ले करूँगा वो न्यू अपडेट पे ही करूँगा, बट आज मैंने ये जो गेम प्ले है वो पुराने अपडेट पे किया था। और यहाँ पे मैं आर्केड मैच चालू करता हूँ, और 84 का पिंग आ रहा है एज यूजल। गेम चालू होने में तो टाइम लगना ही है, वो आप सभी को अब तो पता ही चल गया होगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं लोड होने का, और फिर उसके बाद हमारा गेम शुरू हो जाता है। फाइनली गेम शुरू हुआ, और मैंने मेरा लोड आउट सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे काउंटडाउन चालू हो गया मैच का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, भाई चालू कर दो, और फाइनली गेम चालू हुआ। तो यहाँ पे इन सब के टैग मार मार के उनके टैग्स कलेक्ट करने, और यहाँ पे तुम्हारा भाई साइड में गया क्योंकि वहां से बंदा आ रहा सीधे, और मैं शॉर्ट लेके सीधे घुसता तो क्या होता, ये होता। और फाइनली वही हुआ जो होता है सीधे घुसने पे, अगर आप शॉर्ट गन लेके थोड़े दूर के एनिमी को मारने की कोशिश करोगे तो यही होगा। और फिर मैं गया पीछे से वापस से, क्योंकि मुझे इस बार पता था बंदे कहाँ है, और अपन हीरे बन के फ्लैंक करके गए कि एक एक को मार देंगे। और तुम्हारे भाई ने मारने की कोशिश तो करी, बट दूसरे ने स्नाइपर से मार दिया। एक स्नाइपर यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने बहुत परेशान किया इस मैच में भाई, इस बंदे ने जगह ही नहीं छोड़ी, फिर फाइनली इसको पीछे से जाके मारना पड़ा। अभी नहीं, अभी तो और परेशान करेगा। और पता नहीं यार आज क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में 2-3 बार लगातार मैं बिना किल के ही मारा गया यार। मैं सोच रहा था कि आज तो एक भी किल मिलेगा ही नहीं, आज दिन बुरा है। मतलब देख लो कितनी बेरहमी से मारा जा रहा तुम्हारे भाई को, जब नॉक हुआ उसके बाद नीचे गिरने के बाद रिवाइव कर रहा हूँ तब नहीं मारा, पूरा रिवाइव होने के बाद मारा है फुल चिड़ा के जीतने बेटा। अब तुम्हारा भाई जब बदलेगा, और यहाँ से पड़ी स्नाइपर की, अब यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने यार ये स्नाइपर तो मरेगा, पहले पहले इसको मारना पड़ेगा फिर उसके बाद दूसरों को मारेंगे। तो यहाँ से एक को निपटाया, और चले उसको पीछे से निपटाने फुल फ्लैंक मार के। मुझे पता था वो कहाँ है, वो तब से वहीं पे था, और वो दे दबक के गोलियां चलाया जा रहा है और यहाँ पे लोगों को निपटाया जा रहा है। मैं पीछे से आता हूँ, यहाँ पे एक कवर लेने की कोशिश करता हूँ, बट फिर देखता हूँ कि कवर लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे निपटाया। अब फाइनली जाके मेरा खाता खुला है इतनी देर बाद, मतलब भाई मारने ही नहीं दे रहे थे, दे दबा के पिटाई करे जा रहे हैं आज तो ये मेरी, कि साले तुझे तो गोली चलाने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि बंदे कहाँ हैं, इतनी देर बाद तो मेरा खाता खुला है, कम से कम किल तो दे दो थोड़े बहुत। और यहाँ पे ये देखो, ये मतलब मुंह पे मार रहा हूँ तब भी नहीं मर रहा भाई, इतना भी कोशिश कर लो मारने की, जब मरना होता है ना तभी मरता है, कभी कभार तो भी होता है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि मेरा टीममेट वो नॉक, मतलब जो नॉक था वो सामने वाली टीम का बंदा था, बट वो एक्चुअल में मेरा टीममेट था। कई बार इसमें ये प्रॉब्लम होती है, जब आपकी हेल्थ कम होती है ना तब हर चीज़ रेड 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 ही दिखती है, पता नहीं यार अब वो मेरी प्रॉब्लम है या फिर आप सभी को भी वीडियो में दिख रहा होगा। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक को निपटाया, वो देखो वो स्नाइपर पर चढ़ा, तो स्नाइपर को निपटाया, ये वही स्नाइपर था जिसने फोन किया था अपने। और यहाँ से अपनी टीम भी बढ़िया मस्त सपोर्ट दे रही है, आज तो कई बार टीम ने बजाया यार एक्चुअल में। मैं तो इन लोगों से बोलने वाला था भाई मेरे को बैटल रॉयल अगर तुम खेलते हो तो उसमें भी खाने करो अपने साथ यार। और यहाँ पे तुम्हारा भाई ने पूरा फकडप कर दिया था, इन्हें बहुत बुरा तरीके से, पहले उस पर एक शॉट मारा फिर दूसरा शॉट मारा, बट मेरी हेल्थ कम हो गई तो मैं डर गया, पैनिक कर गया और पीछे आ गया, और वहीं पे बस उसने फायदा उठाया। यहाँ देखो ये बंदा जा रहा है, और ये तुम्हारे भाई ने निमटा दिया, और निमटाने का फ़ायदा क्या, देखा ही नहीं राइट साइड में एक बंदा उसकी खड़ा है, मर दिया उसने आराम से। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई बहुत बुरी तरीके से मरते हुए, और फिर उसके बाद वापस से हिम्मत कलेक्ट करके इधर उधर से इकट्ठी करके वापस आगे जाएगा। पीछे से गोली पड़ी, मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने कि ऊपर बंदे हैं कि नहीं है, बट यहाँ पे एक भी बंदा नहीं था। जनरली यहाँ खड़े रहते हैं, या तो अपनी टीम के खड़े रहते हैं या फिर सामने वाली टीम के, कोई था ही नहीं,
सिर्फ इसको पैसे अच्छी तरह यूज कर रहे थे लोग इधर उधर जाने के लिए। मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई, बट ठीक है, ऊपर से कोई एज नहीं ले रहा। आजकल इन्होंने एक तो नया ये बना लिया, ये इसके ऊपर चढ़ जाते हैं भाई, इन डब्बों के ऊपर, और दिखते भी नहीं है, ऊपर से गोली मार रहे हैं, दबक के कि दे दबक के ऊपर से गोली दे जा रहे हैं। आपको समझ भी नहीं आया गोली कहाँ से पड़ रही है। अभी मैं गोली चला रहा था, ये देखो ये बंदा ऊपर है, ये बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है डब्बों पे और वो वहाँ से निपटा रहा है। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग्स देखी और मैंने सेटिंग्स को चेंज किया था कंट्रोल्स में जाकर। एक्चुअली मैंने जो PDS वाली सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन कर दी है, एक तो AR के लिए और SMG और LMGs के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई इसमें जब आप हिप फायर करते हो तो हिप फायर रजिस्टर नहीं होता। अभी पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है या फिर एक्चुअल में है ऐसा, तो जो ये वाले फायर होते हैं ये रजिस्टर हो रहे हैं बट हिप फायर रजिस्टर नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि जब हिप फायर रजिस्टर ही नहीं हो रहा तो इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, तो मैंने ये सेटिंग्स ऑन कर दी। हालांकि पता नहीं मैं इसको परमानेंट ऑन रखूँगा या नहीं रखूँगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज़ में बिल्कुल जब मुंह पे आ जाता है बंदा तब ये प्रॉब्लम देती है। और इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली में दिक्कत ये है कि अगर आपके पास क्लोज भी बंदा है और आपने ये सेटिंग ऑन करके तो वो इसको खोल देगा उसके मुंह पे, फिर आप एम करना बहुत 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 मुश्किल होता है। इतने डिस्टेंस में तो काफ़ी सही रहता है, तो शायद मैं मैनुअली कोशिश करूँ कि इतने डिस्टेंस में ज़्यादा खोलूँ। पहले मैं एक्चुअली इतनी डिस्टेंस पे इसको भी खोलता था, क्योंकि पबजी में जनरली इतनी क्लोज में अगर आप इसको खोल रहे हो तो सामने वाला बंदा आपको तब तक घंटा ही जाएगा, तो वही आदत मेरी यहाँ पे थी। बट यहाँ पे मैंने देखा कि इन जनरली लोग इसको नहीं घंटा पा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने एक दो किल सिक्योर करे और फिर फाइनली खुद भी किल्ड हो गया। पता नहीं यार, मतलब गेम के कुछ कुछ चीज़ें अलग है पबजी के जो मेन चीज़ें थी उससे। और यहाँ पे भाई ने दिया अपने शॉटगन का झटका। आज का दिन अच्छा नहीं था भाई, आज का दिन अच्छा नहीं था, आज बहुत बुरी पिटाई नहीं करी अपने किसी की भी, ये मछली देखो इस तरीके से मारा गया हूँ आज ज़्यादातर। मैं तो मोटिवेट हो गया था यार एक्चुअली, मैंने भाई यार तो ये गेम गुजर जाए। कई बार गोलियाँ चली थी बिल्कुल भी नहीं चल रही, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चल जाए, वो देखो वो ऊपर चढ़ रहा है ना, यहीं पर वो सारे के सारे आजकल चढ़ जाते हैं और ऊपर से गोलियाँ देते हैं। आधी बार तो वहाँ का आदत नहीं है तो पता नहीं चलता। ये भाई को निपटा दिया दो शॉटगन खाने के बाद भी, फिर यहाँ पे पड़ी। हालांकि इस केस में उसको आधी शॉटगन आधे उसमें ही उसकी मिलती, बट वो मर गया। यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैंने निपटाया, बट राइट साइड से एक आदमी आया उसका और उसने बहुत बढ़िया कवर दिया उसको। कवर तो कह दिया था, वो निमट तो चुका ही था, कवर के बाद रिवेंज लिया एक्चुअली। वो देने तो कवर आया था मगर कवर तो नहीं दे पाया, बट हाँ रिवेंज जरूर ले पाया था। मैं ऊपर जाता हूँ कि शायद इस बार कोई बंदा मिलेगा, और डेफिनेटली यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और ये स्नाइपर ही होता है कि भाई ऊपर से दिए जा रहा है। मैंने कोशिश करी यहाँ से एक बंदे को लपेटूँ मगर वो भाग गया, और फिर उसके बाद नहीं मिला तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ। फिर मैंने सोचा शायद एक बंदा तो दिख जाए, फिर पीछे गया मैं देखने, फिर मेरे को गोली पड़ी। अभी ये पता है कहाँ है बंदा, ये एक्चुअल में ऊपर चढ़ा हुआ है, हालांकि ये अभी इस टाइम पे नीचे गिर चुका है, बट ये ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे नहीं पता ये अभी कहाँ से चढ़ रहे हैं, एक तो मैं तो पता नहीं चल रहा है, बट ये ऊपर कैसे चढ़ते हैं वो मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता है तो डेफिनेटली बताना यार। अब मैं नीचे उतरता हूँ और जाता हूँ पीछे, और तब तक तो विक्ट्री हो ही जाती है। तो मैच नॉर्मली गया, ऐसा कोई खास मैच नहीं गया कि बहुत ज़्यादा किल निकाले मैंने, मैं सेकेंड नंबर पे था आई थिंक, बट किल्स में डिफरेंस काफ़ी था, फर्स्ट वाले ने काफ़ी ज़्यादा मारे थे। तुम्हारे भाई के पास आज उतने किल्स सिक्योर करने का टाइम नहीं मिला, या फिर कहूँ तो आज उतना इजी गोइंग में हो नहीं पाया, क्योंकि आज हम लोग लॉन्ग रन से ज़्यादा मार रहे थे, दूर की रेंज से ज़्यादा मार रहे थे। फिर फाइनली मैंने सोचा कि एक गेम और खेलता हूँ और मैंने चला दिया, और फिर फाइनली बहुत देर की कड़ी तपस्या करने के बाद हमारा ये मैच चालू होता है। चालू हो गया मैच और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और ये मेरी सबसे बेस्ट मैप है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट हो सकती है। आज मैं एक
अपडेट के बाद एक मैच खेला था, उसमें इसी मैप पे खेला था, बट जो जिस हिसाब से मैंने देखा अभी ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया, बट काफ़ी अजीब से फ्रेम ड्रॉप देखे मैंने उसमें, और उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें थी, बट शायद वो अभी हैंड टू हैंड अपडेट किया था इस वजह से हो रहा था, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें सुधरी हैं उसमें। देखते हैं, पूरी चीज़ें तो नहीं सुधारी होगी डेफिनेटली, पबजी नहीं आज तक स्टेबल हो पाया, ये लोग एक अपडेट में तो कैसे स्टेबल हो सकते हैं, बट पता नहीं यार, हो भी सकता है, पीओडी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका पुराना गेम जो था वो काफ़ी स्टेबल था। ये देखो यहाँ पे मैंने इसके दो शॉटगन मारी थी, बट नहीं मारना, ये एक में मर गया, कुछ कुछ तो एकदम क्लोज नहीं होते हैं तो वो एक में मर जाते हैं, चलो ठीक है उनका समझ में आता है कुछ, बट कोई कोई तो बिल्कुल मुंह पे भी आप गोली मार रहे होंगे, देखो दो गोली पड़ी है बट नहीं भाई मर के नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, मतलब कभी कभार तो ऐसा लगता है कि क्या हो क्या रहा है भाई, शॉटगन कमजोर हो गई मेरी कि इनके पास अलग से कोई वो है आर्मर वगैरह, ऐसा होता है क्या? तीन गोली और इतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं था। पिंक का खेल काफी अच्छा है, आई थिंक पिंक की वजह से होता है ये सब कुछ। ये वो बंदा था जो शायद उस टाइम पे एक गोली में नहीं मरा था, इस बार मर गया। यहाँ पे बहुत गंदा वो मेरे पास, तीन गोली मारी बट नहीं मरा भाई, बहुत बुरा लगा यहाँ पे, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, गेम का तो क्या ही कर सकते हैं अपन, खेल ही सकते हैं, कुछ ही कर सकते हैं कि बेटर हो जाए थोड़ा सा, पिंग वगैरह अगर इसका रिड्यूस होगा तो शायद काफ़ी फर्क पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें अपनी रजिस्टर होंगी नहीं, कुछ जगह पे अपनी गलती होती है बट कुछ जगह पे अपनी गलती नहीं होती, मतलब हर जगह पे सिर्फ गेम प्ले ही मैटर नहीं करता, कई बार यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारा था भाई, मतलब मैं रिवाइव वही गया था और उसने भाई ने नेड फेंक दिया लास्ट उठते हुए देखे मेरे को, मेरे काफ़ी हर्ट हुआ मेरे को, भाई मारो तो सही मगर इतना बुरा तो मत मारो, पीछे से बंदे ने निमटाया, और भाई एक जगह पे तो ये सारे सांप बने हुए थे, सारे के सारे सांप बने हुए हैं, मैंने भाई ये क्या मजाक है, इतने सारे लीटर हुए एक जगह पे, और यहाँ पे आके निमटा भी गया वो बंदा, नॉक पीछे वाले ने किया था, कंप्लीट सामने वाले ने किया, यहाँ पे मैं एक को नॉक कर दिया था बट दूसरे ने मेरे को नॉक कर दिया, मैंने नॉक नहीं किया था एक्चुअली, वो फिनिश हो गया था शायद, पहले नॉक हो चुका हूँ, मर गया यहाँ से, मैंने सोचा एक को तो मारूंगा और एक को मार दिया तो नॉक हो गया और उसको मेरी टीम ने फ्री कर दिया, तो तुम्हारे भाई ने एक को तो निमटा दिया था, दूसरे को निमटाने से पहले दूसरे ने मेरे को निमटा दिया, और वो भाई भागते हुए जा रहा है, एक बंदा दिखा ये मैंने एक को खत्म किया, मैंने दूसरे को खत्म करने की कोशिश करी बट वो शायद मेरी टीम ने खत्म किया था, तीसरे ने मुझे निमटा दिया, सॉरी। तो यहीं पे मैच चालू था और फाइनली आज शॉटगन उतनी काम आ नहीं रही है क्योंकि ज़्यादातर गोलियां दूर से पड़ रही हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे वो टाइम आ गया है कि शॉटगन को छोड़ के दूसरी गोली बंदूक पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि M4 अच्छा है, उसका रिकॉइल वगैरह नहीं है बट उसका डैमेज काफ़ी कम है, और अभी जो भी लोग दूसरी गन्स यूज़ कर रहे हैं उनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, और ये लोग दूर से मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं उसका, इनको मतलब फ़ायदा मिल रहा है, दो तीन गोली में तो निपटा ही देते हैं, तो अब अपन को भी टाइम आ गया AR को उठाने का, तो मैं कोशिश करूँगा आज, एक्चुअली मेरी एक नई जो शॉटगन है वो खुली थी, मैं यूज़ नहीं कर रहा उसको, कल मेरा नई शॉटगन का गेम प्ले भी दिखेगा आपको, और उसके अलावा मैं यूज़ करूँगा कोई दूसरी AR M4 के अलावा जो भी खुली होगी अच्छी, सजेस्ट करो यार कौन सी अच्छी AR है इसकी, ट्राई कर रहा हूँ अभी तो सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे, भाई सांप बने हुए आपकी टीम के बंदे भी, दूसरों के लिए तो क्या ही बोलूँ, गोल गोल घूम रहा है सांप बन के, कतई 10 लेगा देखते हो, और ये भाई ने ये पीक वाला सिस्टम सीखना पड़ेगा भाई, ये पीक वाला सिस्टम सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये
तुम्हारा भाई ने रिवाइव करना चालू किया और यहाँ पे रिवाइव हो भी जाता तुम्हारा भाई। मैं सीधा नहीं गया क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। मैंने फायर किया तो कोई तो लपेटे में आया और एक बंदा लपेटे में आया, दो लपेटे में आया, फिर तीसरे को लेने की कोशिश करी, तीसरा भी लपेटे में आ गया और फिर मैं साइड में आ गया क्योंकि मेरी हेल्थ भी कम हुई थी। फिर मैंने फ्री फायर लिया यहाँ से बट उसके लपेटे में कोई नहीं आया। तो मैंने वापस से रिलोड करी गन और मैंने चेक किया आसपास, अब तुम्हारा भाई इधर गया भाई। एक स्नाइपर है इसकी जी, वो कर जगह भाई एकदम साइलेंट चलती है और मारती भी कर जगह। वो स्नाइपर भी मेरे को चाहिए यार, स्नाइपर कर जगह। यहाँ पे एक को तो थप्पा कर दिया था बट दूसरे वाले ने तो भाई तुम्हारा पीछे में खार में मारा उसने कि भाई तू शॉटगन चला रहा है, वार 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 पहले उसने बहुत बुरी तरीके से मारा। और यहाँ पे मैंने अपनी टीम की हेल्प से, अपनी टीम की हेल्प से भाई बहुत कम कहने को मिलता है ये कि टीम भी साथ देती है, टीम ने क्या ही साथ दिया। अंदर घुस के दो बंदे निपटाए और तीसरे को डैमेज दिया मैंने, हालांकि ये समझदारी नहीं थी मेरी कोशिश थी, मैं नेगेट भी डाल सकता हूँ वहाँ पर बट क्या ना जब आपके किल ज़्यादा नहीं होते तो आप डेस्परेशन में कुछ ना कुछ तो करते ही उल्टा सीधा काम। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने मैच ख़त्म किया और विक्ट्री हासिल करी, फाइनल ब्लो तुम्हारे भाई का था। दो बंदे ले गया मैं एक स्प्रे में M4 से और यहाँ पे मेरे किल से आई थिंक शायद एक किल ज़्यादा था पिछले मैच से शायद तक, तो प्रोग्रेस तो थी एक किल की डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू यार सभी को। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर करना वीडियो यार, क्योंकि व्यूज़ अभी बहुत कम आ रहे हैं। थैंक यू गाइज़।